मेरे पीछे जो ये आप साहू टी स्टॉल देख रहे हैं, भुवनेश्वर साहू पहले इसी चाय की दुकान में चाय बेचा करता था। उसके बाद उसने चिटफंड कंपनी का काम शुरू किया। उसके बाद शेयर ट्रेडिंग के नाम पे सैकड़ों लोगों से उसने करोड़ों की ठगी कर ली। ये ठगी लगभग 100 करोड़ के आसपास की है। इस चाय की दुकान में काम करने वाले भुवनेश्वर साहू के भाई से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो है पहले भुवनेश्वर क्या करता था और कितना इन लोगों से संपर्क में रहता था। तो ये बताओ कि भुवनेश्वर कब यहाँ आता था पहले? पहले आता था, अब बीच में बंद हो गया है बहुत उनका। तो ये बताओ कि वो जो है जब फरार था तो तुम लोग कहाँ शिकायत किए, क्या मामला पता चला कि फरार है? हम लोग ऐसा खुदगी है क्या? हम लोग को पता चला करीबन एक मतलब 10 दिन बाद हम लोग किए कि वो हो गए करके, और बाकी ऐसा पता नहीं था कि वो फरार है। ये है वैसा है। हाँ, पहले पहले क्या काम करता था RCM चिटफंड में, पहले क्या काम करता था? अब वो मेरे एक आइडिया नहीं है, पहले दुकान में बैठता था ऐसा मेरे को पता है, अब बाकी वो RCM वगैरह मेरे को नहीं पता। ये तो पता होगा कि शेयर ट्रेडिंग में पैसे लगवाता था लोगों को, फिर डबल करके देता था, शेयर का काम करता था। शेयर का काम करता था, पैसे लेके उनको देता था ब्याज में। बाकी मेरे को उतना भी वो लॉरेंज था, मेरे कभी इतना सब हुआ ना तब पता चले कि ऐसा सभी कुछ होता है। अच्छा, जब पुलिस ने गिरफ्तार किया उसके बाद ये सब चीजें आई तब जानकारी? घर में जब बातचीत चला ना तब पता चला। ये बताओ कि उसकी जो दोस्त है एक लड़की, उसके नाम पे भी उसने कई जमीन खरीदी? हाँ, होगा जमीन होगा। कौन दोस्त है उसकी, क्या जानकारी? वो रानू धीवर करके है, मतलब उन लोग बहुत पहले जुड़े हैं दोनों साथ में। हाँ। इसका दोस्त जो मनोहर है, जो ठगी में साथ में है, तो मनोहर से कब जुड़ा भुवनेश्वर? अब वो तो मेरे को आइडिया नहीं है कि ठगी में कब कैसे हुआ। मैं बताया ना आपको कि हम लोग को पता नहीं रहता कुछ, उन लोग का वो आपसी हुआ होगा कुछ। हाँ, ये जानकारी है कि भुवनेश्वर जो है सैकड़ों लोगों से पैसा लिया और वो ये कहता था कि डबल कर दूंगा। कुछ लोगों को उसने दिया डबल, उसके कुछ दिनों बाद जो है उनसे ज्यादा रकम मिली, लेकिन फिर उसने पैसा नहीं दिया। नहीं, ऐसा वाला मामला तो पहले नहीं हुआ था, ये अभी अभी का बात है। हाँ, क्या तुम्हारे जान पहचान के लोगों से भी उसने ठगी की? नहीं, वो जानकारी आ रही है कि कुछ रिश्तेदार और आसपास कई लोगों से, रायपुर के अलावा बिलासपुर जिले से भी कई लोगों से उसने जो है करोड़ों रुपए लिए कि डबल कर दूंगा शेयर मार्केट। वो होगा, बट मेरे को उतना आइडिया नहीं है, मैं अभी उधर में नहीं रहता। हाँ, मेरा कॉलेज चल रहा है बस, कॉलेज में। देखिए, ये भुवनेश्वर साहू जो है पहले इसी चाय दुकान में काम किया करता था, यही चाय दुकान है उसकी, और फिलहाल जो है उसके परिवार के लोग ये चाय दुकान चला रहे हैं, और यहीं से भुवनेश्वर साहू के दिमाग में आया कि चिटफंड कंपनी में काम करते हैं, और चिटफंड कंपनी में काम करने के बाद उसे समझ में आया कि पैसे को कैसे डबल किया जा सकता है, जिसके बाद उसने चिटफंड के रास्ते में शेयर ट्रेडिंग का काम शुरू कर दिया, और आरंग मंदिर हसौद के अलावा रायपुर जिले के आसपास के लोगों से उसने सैकड़ों लोगों से करोड़ों की लूट की। फिलहाल इस पूरे मामले पे पुलिस जांच कर रही है कि किन किन लोगों से भुवनेश्वर साहू ने कितना पैसा लिया। भुवनेश्वर साहू इन लोगों से पैसा लेता था और 6 महीने में डबल करने का झांसा देता था। सूत्रों की माने तो लगभग भुवनेश्वर साहू आसपास के इलाकों से 100 करोड़ के आसपास की ठगी कर चुका है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.